हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रीना नांदल और ये है मेरी ड्रेस। अभी मुझे बनानी है डांस वीडियो, तो साथ साथ मैंने सोचा ये व्लॉग भी बना लेती हूँ। ये ड्रेस है मेरी और ये मेरा एक गाउन था, उसको मैंने कन्वर्ट करके इसको लहंगा बना लिया है। उसकी वीडियो मेरे इसी चैनल पर है, वहाँ जाके सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने गाउन से कैसे इसको लहंगा बना लिया है। और अभी मैं रेडी होकर भी दिखाती हूँ और आज मैं दिखाऊंगी कि आपको कैसे मिक्स एंड मैच हम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये पूरा ब्लू है और इसमें पूरा गोल्डन काम है, कहीं पर भी इसमें तीसरा रंग नहीं है। लेकिन मैं अभी इसके साथ पहनने वाली हूँ ये रेड ब्लाउज़, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी के सॉन्ग पर डांस करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए थी हैवी ड्रेस। और इसके साथ जो ब्लाउज़ है वो सिंपल है, बिल्कुल गोल्डन कलर का मैंने इस लहंगे के साथ पहना था। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा हैवी तो क्या होगा, तो मैं इसको रेड के साथ पहनने वाली हूँ। ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और ये है इसकी चुन्नी, ये देखिए, इस लहंगे के साथ ये वाली चुन्नी है। और मैं क्या करती हूँ, चुन्नियों को ना इस तरह से रेडी करके रखती हूँ। देखना, ये पिन लगी हुई है और जितनी बार भी मैंने पहना है इस चुन्नी को, इसको एज इट इज़ मैं तय लगा के रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे जल्दबाजी में रेडी होना पड़े तो फटाफट से मैं ये चुन्नी बस ऐसे डालूँ और यहाँ पर पिन लगाऊँ और फिर बस मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। तो आज भी मुझे फटाफट से रेडी होना है, तो जल्दी से हम तैयार हो लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको मिक्स एंड मैच करके पहनूंगी और ये कैसा लगेगा। और इसके साथ मुझे लेनी है ये चुन्नी। तो आजकल क्या ट्रेंड है, डबल चुन्नी का फैशन है, तो इसको हम लेंगे सिर पर और उसको लेंगे हम यहाँ साइड में। तो डबल चुन्नी हम कैसे पहने वो भी साथ साथ आप देखते रहिए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देने वाली हूँ, ये मैं दो बेल्ट लाई हुई हूँ काफ़ी टाइम से और कई बार सोच चुकी हूँ कि इनकी वीडियो बनाऊँगी लेकिन नहीं बन पाई। तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ इनका यूज़ भी, अगर आज की वीडियो में हो पाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बताऊँगी कि ये किस काम आएंगी। ये मैंने गोल्डन कलर की ना दो बेल्ट ले रखी हैं, ये काफ़ी चौड़ी है और ये पतली बेल्ट है, काफ़ी टाइम से ये रखी है लेकिन आज तक ये यूज़ नहीं मैंने की है, आज ही इनको खोला है और कई महीने से मेरे पास पड़ी है ये। तो चलिए फटाफट से हो लेते हैं रेडी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लुक आज का। इसके साथ मैं क्या ज्वेलरी लेने वाली हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। पहले ये है एक मेरे पास सेट, बहुत सुंदर है ये, और इसके साथ मैंने पहले भी इसी को पहना था तो बहुत जचता है ये इसके साथ, तो आज मैं यही पहनने वाली हूँ। और ये इसके हैं ईयरिंग्स और ये है इसका टीका, क्योंकि जब हम जन्माष्टमी के फंक्शन के लिए रेडी होते हैं ना, तो उसमें इन सब चीज़ों की बहुत ग्रेस होती है, उसमें मेकअप भी थोड़ा सा हैवी वाला चाहिए होता है। और इस पे मैं बैंगल्स जो पहनने वाली हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप की बैंगल्स हैं, ये पूरा चूड़ा मैंने ले रखा है और इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दुल्हा दुल्हन और इस टाइप की फ़ोटोज़ हैं। ये पूरा चूड़ा लिया था मैंने देवर की शादी में और ये राजस्थानी स्टाइल चूड़ा, रजवाड़ा टाइप, और काफ़ी सुंदर है। चूड़े इसमें कम है बट ये चौड़े चौड़े कड़े हैं इसमें और ये बड़े बड़े हैं चार। तो चलिए रेडी होके लुक देखते हैं हम। ये चूड़ा जो मैंने अभी दिखाया था वो मैंने पहन लिया है, ब्लाउज और लहंगा भी मैं पहन चुकी हूँ। अब बारी है चुन्नी की। चुन्नी ये मैंने पहले से ही सेट की हुई थी, तो इसको बस हम इस तरह से लगाएंगे और कमर पर यहाँ हम इसको इक्वल करके इस तरह से टाई कर लेंगे इसको। ये वाली बेल्ट मैं पहले लगा के देखती हूँ।
पहनना है मुझे मेरा नेकलेस। जब भी हमें नेकलेस पहनना हो ना, तो आप ये ध्यान रखना कि नेकलेस हमेशा ना हेयर स्टाइल बनाने से पहले पहनना चाहिए। तो आपने देखा कि बालों में अटकता है, बाल ख़राब होने का डर फिर रहता है। अभी पहन लेंगे ईयरिंग और लुक हमारा आएगा बहुत अच्छा। मुझे अभी थोड़ी लिपस्टिक चेंज करनी है क्योंकि कलर इसका ना मेहरून है और ये बिल्कुल ब्लड रेड है, तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई मेकअप हल्का सा और करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने सिर्फ काजल लगाया हुआ है। माथा टिक्का मेरा रेडी है और ये लुक आ गया है मेरा जैसा मैं चाह रही थी। बस अब हल्का फुल्का मेकअप और उसके बाद हमारी डांस वीडियो की हो जाएगी तैयारी। इस तरह से मैं रेडी हूँ और चुन्नियाँ भी लेके दिखा देती हूँ आपको। आपको घूंघट करना है तो इस तरह से ले सकते हैं और नहीं करना तो इस तरह से इसको रख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे पिन लगा सकते हैं और अगर आपको पीछे करना है तो सिर्फ बालों में ही पिन लगा के इसको आप पूरी को रोक सकते हैं। यहाँ साइडों से कॉर्नर इसके ज़रूर चेक करने हैं हमने कि बराबर हों, नहीं तो ये छोटी बड़ी लगेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी हमारी चुन्नी। तो बस डांस के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी आपको थोड़ा सा मेकअप करके और दिखा देती हूँ। जब मुझे ऐसे जल्दबाजी में तैयार होना होता है तो देखिए मैं क्या करती हूँ, लिपस्टिक को ही आई शेडो बना लेती हूँ और बस ऐसे फिंगर से ही इसको पूरी तरह से अपने आईज़ पर अप्लाई करके इसको अच्छे से मर्ज कर देती हूँ और 2 मिनट में ही हम रेडी हो जाते हैं। तो देखिए आई शेडो मेरा परफेक्ट लग चुका है। कहीं पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर लग जाए तो आप उसको साफ़ कर लीजिए और अब हमें सिर्फ चुन्नी करनी है अपनी, ये वाली सेट। और ये वाली चुन्नी होगी हेयर पिन से सेट। हेयर पिन हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर, इस टाइप वाले हेयर पिन, पतले वाले पिन लीजिए आप और उसको आप आगे की साइड लगाएं। उससे क्या होगा, चुन्नी में वज़न ज़्यादा है, वो पीछे की तरफ झुकाव ज़्यादा उसका बनेगा, तो पिन यहाँ लगेगी तो खिंचावट पीछे की साइड कम होगी इसकी। इस तरह से आप इसमें पिन लगा लीजिए। थैंक यू। ये लुक विदाउट आईलाइनर मुझे काफ़ी अधूरा लग रहा था, तो जब आप इस तरह से किसी खास ओकेजन के लिए तैयार हों तो आप आईलाइनर मोटा मोटा ज़रूर लगाएं और साइड में इस तरह से थोड़ा सा लंबी लाइन निकाल लें, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ बड़ी आईज़ वाली लड़कियों के लिए है। कई बार क्या होता है, आईज़ जिनकी छोटी होती हैं वो मोटा लाइनर लगा लेते हैं तो वो आईज़ उससे ना और ज़्यादा छोटी लगती हैं। तो इस तरह से आप कोई गलती ना करें। तो वीडियो के लिए हम हो चुके हैं रेडी। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मेरा ये लुक मिक्स एंड मैच वाला, मेरा ये सारा जुगाड़ ही मैं इसको कह सकती हूँ क्योंकि तीनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ के लिए मैंने ये रेडी करा रखी थी, तो मिक्स एंड मैच करके मैंने इसको पहनना है। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप कर देती हूँ। मिलते हैं और किसी नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नई फैशन ट्रिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लुक कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की और यूज़फुल, बिल्कुल हल्की फुल्की सी इजी सी ट्रिक्स मैं आपके लिए और लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।
When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.